नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड टिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों का कमेंट था कि सर आप बोर्ड के बारे में वीडियो बनाओ। बहुत सारा कमेंट आया था कि बोर्ड के बारे में कंप्लीट आप वायरिंग के बारे में बताओ। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है दोस्तों इसी पे है और मैं जो आज बताऊँगा तो दोस्तों इसमें पूरा कवर कर देंगे दोस्तों। वायरिंग के बारे में इस वीडियो में सारा कवर रहेगा और स्टेप बाय स्टेप बताएँगे और ये भी बताएँगे दोस्तों कि मतलब किस तरह से वायरिंग करें जो आपका वायरिंग जो है देखने में अच्छा लगे। एक तो वायरिंग दोस्तों देखिए, कोई वायरिंग बोर्ड का होता है दोस्तों तो वो दिखने में थोड़ा सटीक होना चाहिए, कम तार लगे। एक वायरिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वायरिंग का है कि कम तार लगे, सटीक देखने में लगे, जो भी बोर्ड खोले तो लगे कि हाँ मतलब कि हाँ कोई है, कोई अच्छा सा वायरिंग किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इसी पर कवर करेंगे दोस्तों और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल ही होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ठंडा गर्म से चलता है, कोई भी पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फेज और न्यूट्रल ठंडा गर्म जो होता है उसे चलता है, जिसको जिसमें दो तार आता है। तो दोस्तों और एक आता है फ्लोटिंग ग्राउंड अर्थिंग जो आता है दोस्तों, बॉडी अर्थ, तो उसके बारे में जो दोस्तों आपको जाना नहीं है, बेसिकली आप ये जानो। तो दोस्तों अब इसमें होता क्या है दोस्तों ये जानो पहले आप। तो दोस्तों देखिए, कोई भी पोल से अगर तार आता है दोस्तों, है ना, अगर पोल से आपका तार आता है, देखिए दोस्तों ये आपका हो गया, जैसे ये मेन वायर हो गया, एक ये और ये कि ये, ठीक है दोस्तों, आपके साथ सामने बोर्ड भी है दोस्तों, और ये आपका हो गया फ्यूज, ये हो गया इंडिकेटर, और ये हो गया दोस्तों 5 पिन सॉकेट, ये स्विच फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जैसे इसमें सेम है दोस्तों, बस एक होल्डर का जो है एक्स्ट्रा हम जगह जो है यहाँ पर बना दिए हैं दोस्तों। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता देंगे ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो दोस्तों। आज से मेरे ख्याल से कि आप बोर्ड में दिक्कत होगा भी नहीं, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें, ज़रूर मैं आपका आपको बताऊंगा मैं। तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो है इसका फेज के बारे में पहले देखेंगे दोस्तों, ठंडा और गर्म। गर्म जो होता है दोस्तों इसको रेड पे से डिनोट किए हुए हैं, और ये जो है ठंडा जो है दोस्तों ये आपका ब्लैक है। तो दोस्तों अब इसका वायरिंग काटेंगे एट फर्स्ट, तो वायरिंग कैसे होगा तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो दोस्तों देखो होता क्या है दोस्तों, ये फ्यूज में क्या होता है ये जान लो थोड़ा। फ्यूज में दोस्तों ये फ्यूज जो है इतना जान लो दोस्तों, फ्यूज जो भी बनाओ आप पतला बनाओ, ये बात का ध्यान रखिएगा आप। ये फ्यूज हो गया दोस्तों और ये इंडिकेटर हो गया दोस्तों। तो इंडिकेटर में क्या है दोस्तों कि एक रेजिस्टेंस लग के, एक रेजिस्टेंस लग के उसके बाद आपका जो है ये एक इंडिकेटर होता है दोस्तों, एक आपको ऐसे इंडिकेटर बता देते हैं, ये हो गया इंडिकेटर जो कि लाइट लाइन आएगा दोस्तों, ये जलेगा, ये एक रेजिस्टेंस हो गया आर ई एस आई एस टी, जिसको रजिस्टर कहा जाता है, ये हो गया एलईडी। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों जो इसका वायरिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये फेज जो आया दोस्तों, तो ये फेज को आप डायरेक्ट जो है इसमें डाल दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें बताएंगे दोस्तों ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों, इतना जल्द लो आप। उसके बाद ये आ गया दोस्तों इंडिकेटर में आ गया दोस्तों। अब इंडिकेटर से दोस्तों क्या करना है, यहाँ से इंडिकेटर से निकलेगा दोस्तों तो आपका जो है देखिए दोस्तों ये आपका आ गया आपका ये नीचे में स्विच का सारा नीचे में दोस्तों, इस सारा में जो दोस्तों एक तार से जो है समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, ये तो आ गया, अब इसमें जो दोस्तों देखिए एक दूसरे में ये ज्वाइंट होता है दोस्तों, ये अंदर में जो है दोस्तों ये देख लो आप, ये अंदर में जो एक दूसरे से ज्वाइंट है, ये दूसरे से ज्वाइंट है, तो आपको दिख नहीं रहा है दोस्तों मगर अंदर में ज्वाइंट है ये। इसके बाद आप क्या करना है दोस्तों, ये आपका जो है ये स्विचिंग होगा दोस्तों, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ से स्विचिंग किससे होगा, ये स्विच से स्विचिंग होगा, ताकि इसको जो दोस्तों ये प्लग ऑन करें। देखिए दोस्तों स्विचिंग क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ से ऐसे स्विचिंग आता है, ये स्विच को दबा इधर से दोस्तों, तो ये इसमें टच होगा तो जल गया और नीचे दबा तो ये उड़ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये नीचे दबा तो ये उड़ गया तो संपर्क छोड़ दिया, अगर इसको ऊपर दबा तो एक दूसरे में टच हो जाता है। तो दोस्तों स्विच ऐसे ही काम करता है बस, सब में दोस्तों यही कंडीशन रहता है दोस्तों। आप कोशिश करोगे तो आप ये सबका स्विच बना भी सकते हो दोस्तों, कभी क्या होता है छोड़ने पकड़ने लगता है तो स्विच को खोल के जो है आप बना सकते हो, अगर बोलेंगे तो उस पर वीडियो में बना दूंगा कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों इधर तो हो गया दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, अभी आपका ये ठंडा हो गया दोस्तों, ठंडा क्या करना है दोस्तों, ये फ्यूज में डाल देना है एक,
ठीक है दोस्तों, अब फ्यूज़ से जो दोस्तों अब ये कर देखिए दोस्तों, ठंडा तो दोस्तों यहाँ पे आ गया एक, तो ठंडा को एलईडी को देंगे तो ही नहीं जलेगा दोस्तों, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है दोस्तों, एलईडी बॉल है जैसे घर में जलता है, तो ये जो दोस्तों आखिर ये जलेगा कैसे, इसको गर्म तो मिल गया एक तरफ अब ठंडा भी मिलेगा तो ही जलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका ये तार डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठंडा मिल गया उसको, अब तो ये वर्क करेगा। अब दोस्तों अब देखिए अभी जो सॉकेट है दोस्तों, तो जो इसमें कोई भी प्लग डालेंगे तो ठंडा गर्म उसको मिलना चाहिए, तो गर्म तो मिल गया दोस्तों यहाँ से, जब स्विच ऑन करेगा तो गर्म तो यहाँ मिल जाएगा। अब ठंडा को दोस्तों क्या करना है, अब डायरेक्ट जो है यहाँ पे जोड़ देना है। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों वायरिंग थोड़ा सा ठीक है, अब कुछ विशेष है भी नहीं, आप चाहोगे दोस्तों यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, एक्स्ट्रा ये भी लगा सकते हो। देखिए दोस्तों अब होल्डर का दो तार आया दोस्तों, होल्डर ये तो होल्डर है दोस्तों, ये आपका हो गया होल्डर HOLD होल्डर दोस्तों, होल्डर का दो तार है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो है एक तो दोस्तों इसमें कोई भी तार एक फेज ले लेंगे और एक जो है दोस्तों न्यूट्रल ले लेंगे, तो कैसे क्या करना है दोस्तों, तो देखिए ये फेज है दोस्तों, अब फेज को दोस्तों आप जो है आप यहाँ भी डाल सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए फेज है ना दोस्तों, ये यहाँ भी डाल सकते हैं, फेज को यहाँ भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसका वायरिंग जो है दोस्तों यहाँ आया है यहाँ भी डाल सकते हैं दोस्तों। कम देखिए दोस्तों थोड़ा नज़दीक पड़ेगा तो तार भी कम लगेगा, वायरिंग भी अच्छा रहेगा, लोग देखेगा खोलेगा भी तो बोलेगा नहीं अच्छा तो वायरिंग किया हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ आ गया फेज आ गया। अब दोस्तों होल्डर में क्या करना है, जब स्विच ऑन करेंगे तो होल्डर जलेगा, तो स्विचिंग कर देते हैं दोस्तों। क्या ये स्विचिंग के लिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो किया है मैंने कर्व जो किया है दोस्तों, ताकि एक ज्वाइंट ना हो, ठीक है, तो जो है देखिए सॉरी दोस्तों गलती मैंने कर दिया। देखिए दोस्तों फेज को दोस्तों ये फेज को जो है सॉरी इसके लिए, क्योंकि स्विचिंग जो है दोस्तों इसी से नहीं करना है, तो दोस्तों फेज को जो है क्या करना है, फेज को मान लो देखिए दोस्तों ये आपका इसे फेज से स्विचिंग करना है दोस्तों, तो इसको यहाँ कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब एक माइनस आ गया दोस्तों, तो माइनस को जो दोस्तों यहाँ पे कर दिया, हम जो दोस्तों माइनस से स्विचिंग कर रहे थे, तो ये दोस्तों आप ये माइनस दोस्तों यहाँ भी लगा सकते हैं, ये माइनस दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी लगा सकते हैं, तार जहाँ भी रहे दोस्तों आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों आप जो है इसमें कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे एक 5-पिन सॉकेट भी लगा सकते हैं दोस्तों, 5-पिन सॉकेट लगा दिए, अब बस जो है आपका जो है ये फेज को फेज डायरेक्ट कर दिए दोस्तों, यहाँ से फेज को ला के उसमें डाल दिए, अब माइनस को उसमें डाल देंगे तो हो जाएगा। अगर स्विचिंग करना है तो माइनस तो डायरेक्ट रहेगा, और स्विचिंग इस स्विचिंग से कर देंगे तो इसको ऑन कीजिएगा तो उसमें 5-पिन सॉकेट में लाना आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें अब क्या है दोस्तों, देखिए आपका तो सेम बना हुआ है दोस्तों, अब देखिए सेम ये आ गया यहाँ पे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, आपका कोई भी आपका मेन लाइन आएगा दोस्तों, तो मेन लाइन तो एक तो मेन लाइन आएगा इसमें आ जाएगा, इसमें जैसे मेन लाइन आया इसमें आया, ये इसमें आया दोस्तों, जैसे एक मेन लाइन आया दोस्तों ये फ्यूज में आया है ना, तो आपको फेज हो या अर्थिंग हो तो एक मेन लाइन आया उसमें, और एक मेन लाइन आया दोस्तों ये एलईडी में, जैसे यहाँ से एक मेन लाइन एलईडी पे आया हो दोस्तों है ना। उसके बाद दोस्तों इसमें एक मेन लाइन आया, एक इसमें आया दोस्तों ऊपर में, उसके बाद दोस्तों एलईडी जो दोस्तों इसमें तो आपको गर्म मिल गया है ना, यानी फेज मिल गया, ठंडा कैसे मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ से स्विचिंग होगा फ्यूज, यहाँ फ्यूज लगा होगा अंदर में, ये फ्यूज इसके अंदर में फ्यूज लग के यहाँ आया, यहाँ से एक तार यहाँ दे देना है दोस्तों, ठीक है, तो ये तो एलईडी जल जाएगा दोस्तों। अब यहीं से क्या करना है दोस्तों, यहीं से तार उठा के देखिए दोस्तों, यहाँ से है ना दोस्तों, यहाँ से एलईडी है, यहाँ से डायरेक्ट स्विच में दे दिया दोस्तों, यहाँ से तार उठाएंगे दोस्तों और तार को छीलेंगे दोस्तों, और नीचे वाला टोटल स्विच में डाल देंगे दोस्तों, टोटल स्विच में डाल देंगे, उसके बाद यहाँ से एक तार लेंगे, यहाँ से एक स्विचिंग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक स्विचिंग जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ से एक स्विचिंग किए हैं दोस्तों, एकदम सिंपल है दोस्तों, वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से तो आ गया दोस्तों, अब जो है दोस्तों अब यहाँ से जो मेन तार तो यहाँ पे आप लगा दिए पूरा, ये तो समझ में आ गया आपका, समझ आ गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों ये फ्यूज है, फ्यूज से सॉकेट में लगा है, तो ये फ्यूज से लेके ये सॉकेट में डाल देना है दोस्तों, तो आपका जो है दोस्तों ये फेज भी दोस्तों यहाँ पे आ गया स्विचिंग करके, और अर्थिंग भी जो है दोस्तों इसमें आ गया, तो आपका इसमें स्विचिंग जब ऑन करेगा दोस्तों तो इसमें लाइन आ जाएगा, तो अब जिसमें ये लगाओगे तो आपका काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर यहाँ पे एक होल्डर लगा दिए दोस्तों, होल्डर में क्या दोस्तों एक हो मतलब दो तार ठंडा गर्म जो है दो आएगा दोस्तों तार, तो आपका जो है दोस्तों अगर फेज रहेगा एक तार दोस्तों, एक तार आप इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फेज तो एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, फेज इसमें आ जाएगा, तो एक तार तो फेज में यहाँ लगा दिए दोस्तों, और एक जो है दोस्तों न्यूट्रल आप चाहोगे, देखो दोस्तों स्विचिंग किसी से करवा सकते हो, फेज चाहे न्यूट्रल, मगर फेज से ज़्यादा बेहतर होता है,
ठीक है दोस्तों, तो अगर अगर एक तार को आप इसमें जोड़ते हो दोस्तों, तो एक तार को आप स्विचिंग आप इसमें करवा सकते हो, जैसे ये स्विचिंग तो इसमें दे दिए दोस्तों, आप ये इसमें तार लगा दिए तो स्विचिंग हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा दोस्तों, और अगला जो वीडियो होगा दोस्तों इसी बोर्ड से रिलेटेड होगा दोस्तों, और फुल डिटेल में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो वायरिंग करेंगे दोस्तों तो आपका जो दोस्तों समय भी जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप।